असल दोस्तों मैं करता हूँ, आप सब ठीक होंगे? ठीक हो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आजम ब्लॉग। हम जा रहे हैं कि शहर पहले गए हुए थे चने काटने, वो काट के आपको वापस आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं शहर। उसके बाद व्यूअर आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, अब हल्के हल्के बादल बने हुए हैं जनाब, और हम खड़े हुए हैं जी यहाँ अलम पार्क के पास जी, और इधर देखें जी गंदम, इधर भी गंदम है, और कुछ गंदम जो है मैंने आपको लोगों को उसकी कटाई हो गई है, अब ये खड़ी हुई है अभी तक। अच्छा व्यूअर चेक करें, उस दिन ये कटाई हुई पड़ी थी, आप देखें जी गड्ढे बंधे हुए हैं इनके, अब फिर थ्रेशर लगेगी। व्यूअर हमने जनाब शहर पहुँचे हैं और इधर बैठे हुए हैं शॉप पर जी, शॉप है जी जनाब चाचू अफजल की। पहले आप लोगों ने वीडियो देखी है जनाब, उसका बेटा खड़ा हुआ है जनाब मोहम्मद अब्बास, और इससे कुछ लेना था जी वो लेते हैं, तो फिर उसके बाद वापस जाएंगे, और वापसी जाके जो माहौल होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। और बैर का सीन देख के जनाब, क्योंकि दुकान पर बैठा हूँ तो इतना सीन आपको नज़र नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा सीन दिखाया लोगों को। बैर बादल बन गए और मौसम काफ़ी बेहतर हो रहा है जनाब, बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम बन गया है जी। व्यूअर वेलकम बैक, कुछ शहर से होकर घर आ गए हैं, और अब फिर जनाब जाने वाले हैं जी चने काटने, और मौसम आप लोगों को चेक कराएं जी, देखें कितना प्यारा मौसम है, देखें जी बादल बने हुए हैं। उसके बाद जी बादल बने हुए हैं, हल्का ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई हैं, और उम्मीद लग रही है कि आज बारिश फिर आने वाली है जी, अल्लाह करे कि बारिश ना आए। आप लोगों भी आप लोग भी दुआ करें कि बारिश ना आए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी जानते हैं कि मतलब पक्की फसलें हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी, जैसे कि गंदम की फसल है, उसके बाद चने हो गए, तो ये जो है ना ये फसलें अब पक चुकी हैं, आप लोगों ने देखा है, तो बारिश आने की वजह से ये सब ख़राब हो सकती हैं, तो सब लोग दुआ करें कि बारिश ना आए। अभी वैसे तो जो अल्लाह चाहता है वही होता है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि बारिश ना आए, क्योंकि बारिश होगी तो गंदम ख़राब हो जाएगी, तो जो किसानों की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, उनका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए दुआ करते हैं बारिश अभी ना आए। देखिए मैं आप लोगों ने देखी है जी, ये सारी गंदम खड़ी हुई है, सारी पकी हुई है, और इसके बाद मैंने आपको जाते हुए शहर जाते हुए भी आप लोगों को मैंने दिखाया, वहाँ पे भी सारी गंदम पकी हुई थी, और आप लोगों ने देखी है जी बारिश आती रही तो उसमें ना मशीन लग सकेगी ना ही उसकी कटाई होगी, तो वो ख़राब हो जाएगी, और अल्लाह से दुआ करते हैं बारिश ना आए अभी ना आए, क्योंकि फसलें पक चुकी हैं, तो इसके बाद फसलें की जनाब थ्रेशर वगैरह मतलब फसलें निकल जाए, उसके बाद जनाब बारिश आ जाए, अभी ना आए बस। माशाल्लाह दरख्त कितने प्यारे हैं, ओए ओए के ओए राम कर खा दे, क्या यार